जय श्री राम दोस्तों। जो नया नया मुसलमान होता है वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है और वो बताने की पूरी कोशिश करता है कि उससे सच्चा मुसलमान नहीं है। लगता है संजय राउत ने अभी 2023 में रामायण पढ़ी है, नहीं, और आज वो कुछ शिंदे जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर और रामायण का ज्ञान बता रहे थे कि रामायण पढ़ के आओ। उन्होंने पहला तो रामायण मुझे लगता है 2019 में नहीं पढ़ी थी, वरना वो उद्धव ठाकरे जी को उनका किरदार बता नहीं पाए कि वो कौन से किरदार के हैं। लेकिन उन्होंने आज एकनाथ शिंदे जी को विभीषण बताया, तो विभीषण उनका बोलने का मतलब था जिसने अपने भाई को दगा दिया। लेकिन विभीषण किसका भाई था मुझे लगता है राउत साहब को पता नहीं। विभीषण रावण का भाई था। रावण जो अहंकार में उसने माता सीता का अपहरण किया, सबको रामायण की घटना पता है, तो उसी तरह से अपने खुद के झूठे कुर्सी के लालच में महाराष्ट्र के रावण उद्धव ठाकरे जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, तो अगर आज विभीषण उनको बोला जा रहा है तो मुझे लगता है गर्व की बात है, क्योंकि विभीषण सच्चाई के साथ था, श्री राम के साथ था, और विभीषण को मालूम था कि रावण के कर्म कैसे हैं और रावण ने क्या कुकर्म किया था। तो अगर विभीषण ने इस रावण का, महाराष्ट्र के रावण का साथ छोड़कर, जो कुर्सी के लालच में जिन्होंने अपने पुराने जुने महायुति तोड़कर सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लालच में स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़कर सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने सब सत्यानाश किया, तो हमको ऐसा गर्व है हमारे विभीषण के ऊपर। और सब लोग, पूरा महाराष्ट्र आज संजय राउत जी जो नए नए मुसलमान की तरह नए नए हिंदू बने हैं और रामायण पढ़ के और व्याख्यान दे रहे हैं, कृपया करके अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, फिर टीवी पे आके इंटरव्यू दीजिए, पोपटगिरी बंद कीजिए। धन्यवाद।